देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शुभानी पांडे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जैश ए मोहम्मद के 3 कुख्यात आतंकवादी तबाही के बड़े प्लान के साथ भारत में घुस चुके हैं। ये 3 पाकिस्तानी बताए गए हैं और इनके निशाने पर वीआईपी और दिल्ली है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। खुफिया एजेंसियों को जो ताजा इनपुट मिले हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में तबाही का बड़ा प्लान रचा है और इस प्लान के तहत आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करा दी गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इनके नाम है गुलजान जुम्मा खान, निवासी उत्तरी वजीरिस्तान, शकील अहमद, निवासी बहावलपुर पाकिस्तान। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि 3 जैश के मुखिया मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर के बेहद करीबी बताए जाते हैं और इन 3 ने भारत में घुसपैठ करने के पहले जैश और आईएसआई के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और वहीं पर इन्हें टारगेट प्लान बताए गए थे। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक इन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कराई गई है और इन 3 को भारत भेजने के पहले अफगानी पहचान के दस्तावेज भी दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 ने जम्मू कश्मीर की सियालकोट सेक्टर के रास्ते से भारत में घुसपैठ की और उसके बाद इनकी लोकेशन अनंतनाग की तरफ मिली। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इन 3 के साथ 2 कश्मीरी भी हैं जो 3 का मार्गदर्शन कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक इनके निशाने पर वीआईपी और दिल्ली भी हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों की इस अलर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन 3 के पास कुछ नक्शे भी बताए गए हैं, साथ ही इन 3 को आत्मघाती हमले के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है और ऐसे में खुफिया एजेंसियों का शक है कि ये 3 एक बड़ी तबाही के प्लान के साथ भारत आए हैं। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इन 3 की तलाश कर रही हैं। जैश ए मोहम्मद एक बार फिर से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लग गया है, जिसको लेकर उसने भारत में 3 आतंकवादियों की एंट्री कराई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इन 3 आतंकवादियों की तलाश में जुट गई हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।